हे ब्रो, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रेसलिंग हिंदी। अब ब्रो से याद आया, आज ब्रो से स्टार्ट करते हैं रिडल से। हमारी पहली स्टोरी जुड़ी हुई है कि रिडल अपनी सीरियस साइड दिखाने वाले हैं। मैं उन्होंने बहुत जल्दी उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि अब मैं मेरी सीरियस साइड दिखाने वाला हूँ और कई पुराने दोस्त भी आने वाले हैं वापस, तो कहीं रेडियो होने से तो कोई नहीं हो रहा। तो गाइस हम अपनी अगली स्टोरी पे चलते हैं जो जुड़ी है हमारे ड्रू मैकइंटायर से। तो गाइस ड्रू मैकइंटायर का बहुत ही कुछ अलग हो रहा है गाइस WWE में। उनको समझ नहीं आ रहा कि पुश क्यों नहीं दे रही WWE। एक तो उनको इंजरी भी इतनी हो रही है, और पता लगा है कि जो उनका 5-man battle रॉयल रंबल में जो रेसलमेनिया में उनका मैच था, उसमें वो बिल्कुल ही फिट नहीं थे मैच लड़ने के लिए, पर फिर भी उन्होंने रेसलिंग करी। और कोई कोई लोग तो ये भी बोल रहे गाइस कि वो ओल्ड एलीट रेसलिंग में जाएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 9 month तक उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिससे वो नहीं जाएंगे और अभी और रेसलिंग करेंगे WWE के लिए। अगली स्टोरी बढ़ता जुड़ी हुई है हमारी जो एलेक्सा ब्लेस एंड ब्रे वाइट से। तो गाइस इन दोनों के साथ ही समझ नहीं आ रहा कि रिलीज़ हुए हैं या ये हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एलेक्सा ब्लेस अगर फिंड की जो छोटी फिंड बन के आए, लड़की फिंड का वर्जन बन के आए, तो गाइस बहुत ही इन्जॉय करेंगे हम उस चीज़ को। तो मैं तो यही होप करता हूँ कि ब्रे वाइट एंड एलेक्सा ब्लेस बहुत जल्द शो में वापस आए और रिटर्न करें और हमें एंटरटेनमेंट करें। वैसे गाइस ब्रे वाइट से एक खबर और जुड़ी पड़ी है कि बहुत जल्द ब्लैक लैश में उनका रिटर्न हो सकता है, ऐसे रूमर आ रहे हैं हमारे पास, जो ब्लैक लैश में उनका रिटर्न हो सकता है। तो गाइस अगली स्टोरी जुड़ी पड़ी है, जो जुड़ी पड़ी है हमारी ब्लैक लैश से ही। तो गाइस ब्लैक लैश का प्रीव्यू आने वाला है जो मई में है। तो गाइस ब्लैक लैश के जो मेन इवेंट करेंगे वो कोई और नहीं, ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स है। जी गाइस सच बात है, इस पे बात चल रही है कि ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स ही है वो दो शख्स जो मेन इवेंट करेंगे ब्लैक लैश को, और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस शायद इस ब्लैक लैश में ना हमें दिखे। सो ये स्टोरियाँ ख़त्म होती है। तो गाइस आप शेयर, कमेंट और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद भाई सपोर्ट।